दोस्तों नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे पेटीएम बीसी एजेंट का ऊपर। दोस्तों मैं आप लोगों को आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो भाई अगर आप कोई ना कोई कंपनी का वीडियो यूट्यूब में देख लेता है, जैसे कि बहुत सारा कंपनी बोलो तो सॉरी पता है, यूट्यूब का चैनल का नाम से बहुत सारा कंपनी है, ठीक है, जैसे कि मेरा डिजिटल स्टोर है, बहुत सारा भाई लोगों को बहुत सारा कंपनी का जैसा नाम बना के रखा है। तो एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि अगर आप पेटीएम का एटीएम बीसी एजेंट लेना चाहता है तो दोस्तों मैं अगले को रिक्वेस्ट करेंगी। एक बंदा का साथ फ्रॉड हो चुका है और वो दोस्तों मेरे पास फाइनली जो है वो मेरे को मैसेज किया है व्हाट्सएप में। तो कुछ चीज़ें दोस्तों मैं इसका बारे में सीखा हूँ और कुछ चीज़ें दोस्तों मैं जाना हूँ, जैसे कि स्पाइस मनी का, सॉरी स्पाइस मनी तो आईडी हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहा है, रेपी पे आईडी बिल्कुल फ्री दे रहा है। पेटीएम का एटीएम दोस्तों उसका बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिस्टम का ऊपर बात करें तो बहुत सारा प्रॉब्लम जैसे कि फेस करना पड़ा है हमको, और बहुत सारा पैसा भी हम इन्वेस्ट कर दिया है जी बहुत सारा कंपनी में, ठीक है ना। तो आज जो वीडियो हो रहा है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए कोशिश करेंगे। एक बंदा का साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है जो पेटीएम के एटीएम बीसी एजेंट लेने का ऊपर, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें दोस्तों उसको बता गया है, जो आपका आईडी इस तरह हुआ है, इस तरह बना हुआ है, तो इसमें दोस्तों मैं कुछ डिटेल आपको शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकती है दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ जिसे देख पा रहा दोस्तों, यहाँ पे कुछ आर्टिकल देखे रखा है, जैसे कि यहाँ पे फ्रॉड कैसे किया, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, मेरा जैसा बहुत सारा भाई लोग यूट्यूब चैनल करके रखा है, आप ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, जो नया यूट्यूबर है ना उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देता है कस्टमर, बोलते जो ऑडियंस, ठीक है, जिसको बोलता है। मेरा एक पुराना चैनल है, उसमें आप जाके दोस्तों विजिट कर सकती हैं, वहाँ पे देख सकती हैं मैं किस तरह बताता हूँ, पूरा क्लियर दोस्तों साफ साफ बोलता हूँ पेटीएम का एटीएम बीसी एजेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों उस बंदा के साथ कैसे फ्रॉड किया मैं आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे, ठीक है। कुछ बातें जो होता है मैं सुनाएंगे आप लोगों को मोबाइल में, दोस्तों यहाँ पे सुन लीजिए। আমি কি তোমার এস এম এস রিপ্লাই দিই, আমি তোমার ভাইবো কারণ দেবো আজকে একটা পুষ্টিমানের দিন, ঠিক আছে। আর তো মে এক রিকোয়েস্ট করেন ফ্রেন্ডস, ভয়েস পুরা নেই শোনা সকতা কি দোস্ত কপিরাইট স্ট্রাইক আ সকতি হে, ये फिक्र आ सकती है मेरे चैनल के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैं अगले एक्चुअली एक बात बोलूं, जैसे कि अगर आप पेटीएम का एटीएम लेना ही चाहता है तो मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाएंगे किस तरह आपको बनना है, किस तरह लेना है, ठीक है। आप दोस्तों फ्रॉड होने से बचो, क्योंकि दोस्तों अभी इस 2022 में बहुत सारा फ्रॉड हो चुका है मार्केट में और अभी फाइनली चल रही है। तो मैं इस वीडियो में दोस्तों लाइव प्रूफ बताएंगे कैसे आपको बचना है और फ्रॉड से कैसे बचना है, किस तरह आपको पेटीएम का एटीएम बीसी एजेंट लेना है, इसका बारे में दोस्तों पूरा आर्टिकल का मतलब दोस्तों मैं बताऊंगा, समझाऊंगा और छोटा बच्चा का जैसे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिहेव नहीं करो मेरा वीडियो का, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट का है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको पूरा इंटरव्यू जो होता है इंटरनेशनल तक से आपको बताएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आपको इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो लाइव प्रूफ देख रहे हो, मैं आपको डेस्कटॉप में देखा है कैसे कैसे क्या करना है। चलिए हम लोग आ चुका है गूगल में और मैं दोस्तों छोटा बच्चा का जैसे मैं आप लोगों को समझाएंगे इस वीडियो का माध्यम से, कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं लेकर आता हूँ मेरा चैनल की तरफ से, और क्योंकि मेरा चैनल में ऐसा खराब वीडियो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए क्या है स्टेप दोस्तों, गूगल में हम लोग आ चुके हैं, गूगल में सिर्फ बातें नहीं करेंगे काम भी सिखाएंगे कैसे आपको क्या करना है। सैंपल दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना क्या है, इसमें सैंपल लिखना है दोस्तों आपको डिजिटल अशोक स्टोर। दोस्तों आप देख सकती है मैं डिजिटल अशोक स्टोर लिखा हूँ, आप ये भी लिख सकती है डॉट कॉम भी दे सकते, ठीक है दोस्तों। देखो डॉट कॉम यहाँ पर है और डिजिटल अशोक स्टोर यहाँ पर लिखने के बाद भी दोस्तों हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसको क्लिक कर देंगे। अभी क्लिक करने के बाद दोस्तों सैंपल आपको क्या करना है इस वीडियो का माध्यम से बताएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यह दोस्तों हमारा वेबसाइट है डिजिटल अशोक स्टोर डॉट कॉम, यह हमारा वेबसाइट है, आपको पता कर दिया हूँ, मैं दो बार तीन बार बता रहा हूँ। अभी दोस्तों कल का एक वीडियो पोस्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम का एटीएम न्यू एजेंट आईडी, यहाँ पे दोस्तों आपको सैंपल क्लिक कर लेना है। चलिए मैं आपको इस जगह में क्लिक करके ही दिखाता हूँ, क्योंकि नेट थोड़ा स्लो है मेरा दोस्तों, आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताऊँ और कुछ चीज़ें जानकारी दिया हूँ पेटीएम की तरफ से, यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकती है हमारा आर्टिकल को, ठीक है ना। आप यहाँ पे पढ़ सकती है पेटीएम का एटीएम बीसी एजेंट किस तरह मिलेगा, पे वन का क्या, और दोस्तों ज़्यादा जानकारी और भी आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है, मान के चलो मेरा वीडियो के माध्यम से और भी जानकारी आप लेना चाहता है
तो आपको क्या करना, नीचे डाउन करना, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाएंगे, जैसे कि मैं इस जहाँ में 12-13-15 पोस्ट किया हूँ शायद, तो चलिए मैं आप लोगों को छोटा बच्चा जैसे समझाऊंगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, वो वीडियो वो जो आर्टिकल है दोस्तों, यहाँ पे मेरा आर्टिकल, वो जो आर्टिकल है यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, यहाँ पे और भी आर्टिकल मेरा है जो मेन एक्चुअली जो आर्टिकल है दोस्तों, उस आर्टिकल में आप लोगों को लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ। तो चलिए, और ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, हमारा शायद आ जाएगा, मैं इसमें और बैक करेंगे यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है दोस्तों, इसी तरह बहुत फ्रूट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक CSP न्यू अपडेट रूल्स, यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाता है उस साइट दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे रीड करूँगा दोस्तों, रीड करूँगा, इसका अंदर जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे यही होगा साइट, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यही होगा, आप दोस्तों देख सकती है यहाँ पे हमारा पूरा आर्टिकल देख रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे वीडियो है, इस वीडियो को सिर्फ आपको वॉच करना है। जैसे कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक BC Agent न्यू अपडेट KYC पॉइंट कैसे खोले, पेटीएम का ATM न्यू रूल्स, NPCI गाइडलाइन वीडियो हिंदी में आर्टिकल में जाएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकती है, ठीक है। इस जगह में आप इसी को जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो हमारा चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आपका वीडियो कहाँ पे आना है मैं आप लोगों को फिर बताएंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारा जो है दोस्तों 5 नंबर आर्टिकल में आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ 5 नंबर में है, और दोस्तों यहाँ पे आप सैंपल क्लिक करेगा तो आपका उसके बारे में मिल जाएगा। उसके बारे में दोस्तों मेरे फुल प्रोसेस वीडियो बना के रखा हूँ, एक कोर्स दिया हूँ, कोर्स करके रखा हूँ, जैसे कि उसमें अगर आप उस वीडियो देख लेता है तो आपको दोस्तों BC पॉइंट कोई भी नहीं बंदा अटका सकते, ठीक है, आपको दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकती है, इस जगह में भी वो वीडियो है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे इस जगह में 7 नंबर जो फॉर्म है दोस्तों, 7 नंबर आर्टिकल में, आप यहाँ पे दोस्तों सैंपल आपको क्या करना है, इसमें दोस्तों नीचे एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा लोडिंग लेने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आपको यहाँ पे एक वीडियो आएगा जो इस जगह में भी हम इस वीडियो को देख रखा है, यहाँ पे वीडियो है। और दोस्तों अभी आपको सैंपल इस लिंक पर क्लिक करना है, जैसे देख पा रहे पेटीएम का ATM KYC रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस जगह पर आपको सैंपल क्या करना है, जैसे कि हमारा वीडियो अभी आ रहा है, बहुत स्लो नेट है, आप लोगों में बताऊँगा, रिक्वेस्ट करेंगे। तो सब देख सकते हैं पेटीएम BC Agent कैसे बने, यही दोस्तों देख पा रहे वीडियो, ये दोस्तों डायरेक्ट लाइव पूरा बात किया हूँ कंपनी का तरफ से, कैसे आपको पेटीएम को BC Agent बनना है। इस जगह मेरा नया जो वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरा जो फोकस है दोस्तों, इस वीडियो में किया हूँ कंपनी के साथ कैसे बात करना है, कैसे आपको क्या करना है, सब भी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अभी आपको इस जगह में क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। अभी दोस्तों आप सोच रहे हैं भाई हम तो रजिस्ट्रेशन 50-60 बार कर दिया है, तो सैंपल दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक बार फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है। जब अगर मान लो पेटीएम का BC Agent लेना जाएगा तो दोस्तों आपको इसमें सैंपल इस जगह में जो फॉर्म है इसको फिलअप करना है, ठीक है। दोस्तों इस जगह में आपको फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि बिजनेस एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, DUI, IDR, इसमें सबमिट कर देना है। करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे, ये जो दोस्तों वीडियो है, इस वीडियो को सैंपल आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप डायरेक्ट यूट्यूब में भी जाके भी देख कर सकती है। यहाँ पे आपको सैंपल क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरा साफ साफ बता के रखा हूँ, आप पेटीएम का BC Agent लाइव प्रूफ कैसे आप ले सकती है, कैसे आप अपना एरिया का जो एम्प्लॉय होता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, कैसे उसके साथ बात कर सकती है, पूरा दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो देकर रखा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नया प्रोसेस लेके, जैसे कि हमारा चैनल की तरफ से, अगर आप इस वीडियो पसंद हो रहा है तो शायद लाइक भी करेगा, शेयर भी करके चलिए।